एम जोगिंदर सिंह एंड यू आर वॉचिंग जोगी एंड यू फ्रेंड्स दिस वीडियो इज इन हिंदी लैंग्वेज टूडे कॉन्ट्राडिक्ट्री मैथ के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि रूट टू एक इेशनल नंबर है इन दिस वीडियो आई एल एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं यहां हमारे पास एक नंबर है रूट टू और हमें प्रूव करना है कि यह एक इेशनल नंबर है इन मैथमेटिक्स जब भी हमें कुछ प्रूव करना हो तो हम रिलेटेड बेसिक्स थ्योरम्स या कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो ठीक है यहां भी हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है एन इेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स दैट मींस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते किसी भी इेशनल नंबर को सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज अंट्राडिक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिक्योरिंग वन मोर प्रॉपर्टी इज इ रेशनल नंबर are the difference between the set of real numbers and a set of irrational numbers p is equal to r minus q generally the square root of a non perfect square number will always result in an irrational number and the last property is the calculations based on these type of numbers are a bit complicated इनमें से एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं जिसकी हेल्प से हम अंडर रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूव कर दें तो एक तरीका यह होगा कि हम अंडर रूट टू की एग्जैक्ट वैल्यू निकालें और फिर उसे इरेशनल प्रूव कर दें लेकिन उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए जाना होगा जबकि हमें यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू इसे प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्ट्री मेथड के लिए हमें एक दूसरे के एकदम अपोजिट और इम्पॉसिबल रिजल्ट्स निकालने होंगे तो जो कुछ भी ये नहीं है इसको वही सपोज कर लेते हैं और इसको एज रेशनल नंबर ट्रीट करने के बाद जो भी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा एक विरोधाभास बस उसी की हेल्प से हम बोल देंगे कि जो हमने सपोज किया था वो गलत था एंड सो गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर So, let us assume that root 2 is a rational number and its simplest form will be a over b, where a and b both are co primes and the denominator b cannot be equal to 0. So, we can write this as the root 2 is equal to a over b. Now, स्क्र बोथ द साइड्स एंड वी गेट टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जस्ट ट्रांसफर दिस बी स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन इस इक्वेशन में क्लियर है कि लेफ्ट साइड टू से डिविजिबल है ये देखो टू से टू कैंसिल सो हियर टू डिवाइड टू बी स्क्वेयर विच इज अवर लेफ्ट साइड तो हम कह सकते हैं टू राइट साइड को भी डिवाइड करेगा यह हमारे पास एक थ्योरम है विच इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक एंड द थ्योरम इज लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीज

We can say that a is equal to 2 multiplied by something, and that something means let it be some integer c here. By squaring both the sides, we get a square is equal to 4c square, and this is our equation number 3. Now, look at these two equations 1 and 3. Donoki ek, ek side. स्क्वायर है सो देन डेफिनेटली दूसरी साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल ही होगी सो हियर वी हैव टू बी स्क्वेर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर आफ्टर डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय टू वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी इसका कंक्लूजन भी हम इक्वेशन वन की तरह से ही निकालेंगे सो so हियर 2 divides 2 c square then 2 divides b square and because 2 divides b square then 2 also divides b. Now we have the same result again. So we can say that 2 will be a factor of b or ye hogi hamari equation number 4. Just wipe out all the extra things and keep the things we need later.

इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग डिजिट टू एक फैक्टर है ए का और यही डिजिट टू बी का भी एक फैक्टर है सो वी कैन से दैट टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी बट इट इज एन इम्पॉसिबल रिजल्ट बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी बोथ आर को प्राइम्स एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर सो फाइनली यू कैन से दैट अंड रूट टू इज एन इेशनल नंबर एंड हैन्स इट इज प्रूवन एंड नाउ वो जिनको कंप्लीट सोल्यूशन एक साथ चाहिए दे कैन राइट एवरीथिंग बाय पॉजिंग दिस वीडियो बाय द वे गाइज ऐसे और भी वीडियोज देखने के लिए मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें एंड यस लाइक एंड शेयर तो बनता है चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय